एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राजू नाम के एक लड़के की शादी थी। पूरा गांव भी उनके घर की शादी में जश्न मना रहा था। सब लोग बारात लेकर राजू की शादी में जाने को तैयार थे। सब लोग घर के बाहर नाच गा रहे होते हैं। लड़की दूसरे गांव की होती है और बारात को काफी दूर पहुंचना होता है। पहले सब लोग निकलते निकलते रात कर देते हैं। अरे तुम लोग ज्यादा नाच गाना मत करो और जल्दी जल्दी चलो, हम लोग पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। हाँ भाई साहब, बस चल ही रहे हैं, अब इन बच्चों का भी क्या करें, ये लोग तो बिना मस्ती किए बिना आगे ही नहीं बढ़ रहे। पर देर तो बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे में तो हम बहुत लेट पहुँचेंगे। ऐसा ना हो कि शादी का मुहूर्त ही निकल जाए। कैसी बातें कर रही हो सावित्री, शुभ शुभ बोलो। मैं कौन सा चाहती हूँ कि ऐसा ही हो जाए, पर जैसे धीरे धीरे तुम लोग चल रहे हो तो देर तो होगी। एक काम कर हरिया, बारात को जंगल के रास्ते से निकाल ले, वहाँ से आधा समय लगेगा। पर भाई साहब, ऐसे बारात को जंगल से ले जाना सही रहेगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तू बारात को जंगल से होता हुआ निकाल बस। हरिया सब लोगों को आवाज देकर जंगल से होते हुए जाने को कहता है। सब लोग हरिया की बात मानकर जंगल से होते हुए निकलने लगते हैं। ठंड का मौसम होता है और अंधेरा ज्यादा, जंगल भी इतना घना होता है कि किसी को भी वहाँ से गुजरते हुए डर लगे। सभी लोग फिर भी जैसे तैसे चलते जा रहे थे। बारात जंगल के बीचों बीच पहुँची ही थी कि सब लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे भाई साहब, ये तो किसी शेर की आवाज लग रही है। नहीं नहीं, ये किसी हाथी की आवाज है। अरे डरो मत, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, यहाँ कोई जानवर नहीं है, चलो। सारे बाराती आगे बढ़ने लगते हैं, पर फिर से उनको वही आवाज आती है। सब उस आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद हरिया सावित्री को आवाज देता है। अरे सावित्री, कहाँ पीछे रह गई हो, जल्दी जल्दी चलो। सावित्री हरिया की बात का कोई जवाब नहीं देती। हरिया फिर से सावित्री को आवाज देता है, पर सावित्री इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। हरिया पीछे मुड़कर देखता है तो सावित्री तो पीछे होती ही नहीं है। हरिया फिर सावित्री को आगे भीड़ में ढूंढने लगता है, पर सावित्री वहाँ भी नहीं होती। अब हरिया बड़ा ही परेशान हो जाता है। वो सावित्री को पूरी बारात में ढूंढ लेता है, पर सावित्री का कुछ पता नहीं चलता। अब तो हरिया चिल्लाने लगता है। अरे मेरी बीवी सावित्री कहाँ गायब हो गई? अरे जरा सब उसे ढूंढो। अरे मेरा बेटा भी नहीं मिल रहा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? सब लोग मिलकर सावित्री और उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं, पर मिलने की जगह बारात से बाकी लोग भी गायब होने लगते हैं। अब तो सबको डर लगने लगता है। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो आप, हमें खोए हुए लोगों को ढूंढना चाहिए। मुझे तो घर जाना है, मुझे नहीं मिलकर रहना, पता चला मैं भी गायब हो गई तो। वो औरत किसी की भी बात सुने बिना बस वापस घर को निकल पड़ती है। कुछ दूरी तक जाने पर ही सबको उस औरत की चीख सुनाई देती है। उस औरत की आवाज सुनकर सब भागते हैं, पर उस औरत का कुछ पता नहीं चलता। अब तो उस बारात को जंगल से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल होता चला जाता है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि सारे बाराती कहाँ गायब हो रहे हैं। कि तभी घोड़ा जोर से दौड़ पड़ता है और उस घोड़े पर राजू नहीं होता। हे भगवान, वो घोड़ा कहाँ भाग रहा है और राजू कहाँ गया? अभी तो वो इसी घोड़े पर बैठा था। है मेरा राजू भी गायब हो गया, अब हम क्या करेंगे? तभी अचानक फिर से किसी के चीखने की आवाज आती है कि बचे कुचे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और जैसे तैसे लड़की वालों के घर भी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर तीन चार लोगों को देख लड़की वाले बड़े परेशान होने लगते हैं। अरे क्या बात है, आप बस इतने ही लोग, बाकी सब कहाँ हैं? अरे बहन जी क्या बताओ, हम जल्दी आने के चक्कर में जंगल से होते हुए आ रहे थे, पर एक एक करके सब गायब होने लगे और बार बार कोई अजीब सी आवाज आती थी। हे भगवान, आपको उस जंगल से नहीं आना चाहिए था, क्या आपको पता नहीं है कि वहाँ एक दानव रहता है? सब बड़े परेशान हो जाते हैं। जल्दी से लड़की की सहेलियाँ लड़की को जाकर सारी बात बताती हैं। मीना भी बड़ी परेशान हो जाती है और जल्दी से बाहर आती है। आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं जाऊंगी जंगल में उनको बचाने। क्या तू जाएगी? मेरे बेटे के लिए सच में कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। पर मीना तू ये करेगी कैसे, तेरी जान जा सकती है। नहीं माँ, मैं जाऊंगी, मैं उनको वापस लेकर ही आऊंगी और बाकी सबको भी।
मीना किसी की नहीं सुनती और जंगल में निकल पड़ती है। वो वहाँ जाकर राजू को आवाज देने लगती है। राजू राजू देखो मैं आ गई हूँ। मीना की आवाज सुनकर वहाँ एक दानव आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा होता है। मीना उसे देखते ही घबरा जाती है, पर वो हिम्मत करके दानव का सामना करती है। इतना बड़ा दानव, हे भगवान। मीना उस दिन इतनी सुंदर लग रही होती है, इसलिए दानव मीना को देखता रह जाता है। वो उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना एक हाथ में बड़े प्यार से उठाता है और जंगल के अंदर जाने लगता है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शांत रहो, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मीना चिल्लाती रह जाती है और वो दानव उसे बड़े ही आराम से वहाँ ले जाता है, जहाँ उसने एक बहुत बड़े पिंजरे में 50 लोगों को बंद कर रखा होता है। उन लोगों में राजू भी होता है। दानव मीना को उस पिंजरे में ना बंद करके एक पेड़ से बांध देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमको बचाने आई हूँ और इन सब लोगों को भी। वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मीना की बात सुनकर राजू मन ही मन खुद को बड़ा खुशनसीब समझता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ दानव आ जाता है। उसके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान होता है। ये लो, खाना खा लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। मीना बार बार खाना खाने को मना करती है, पर दानव उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगता है। मीना को समझ नहीं आता कि वो दानव उसके साथ बाकियों की तरह बर्ताव क्यों नहीं करता और उसने सबको एक पिंजरे में कैद क्यों किया हुआ है। दो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक रात मीना सोने का नाटक करने लगती है, तभी वहाँ उसके सामने दानव आकर बैठ जाता है। वो मीना को देखता रहता है। तुम कितनी सुंदर हो, मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही अपने पास रखूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बस एक बार मैं 101 लोगों की बलि दे दूं, उसके बाद मैं इंसानी रूप में आ जाऊंगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। दानव कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। मीना दानव की बात सुन चुकी होती है। उसे सब लोगों की बड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि दानव तो उन सबकी बलि चढ़ाने वाला होता है। मीना को समझ नहीं आता कि वो कैसे उस दानव को खत्म करे और बाकी सबको आजाद। वो इस बात का पता लगाने के लिए हर वक्त उस दानव पर नजर रखती है कि वो क्या क्या करता है और क्या नहीं, और वो दानव के साथ झूठ मूठ का अच्छा बर्ताव करती है। ये तुम हमेशा इस छोटे से पक्षी को अपने साथ लेकर क्यों घूमते हो? यहाँ इतना बड़ा जंगल है तो इसे आजाद क्यों नहीं कर देते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये मर गया तो? मरना तो सभी को है एक दिन, पर ये जब तक जिएगा तब तक अपनी जिंदगी तो अच्छे से बिताएगा। नहीं नहीं, ये मरना नहीं चाहिए। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दानव ऐसे बोलते बोलते वहाँ से चला जाता है। मीना को ये बात बहुत अजीब लगती है, पर वो समझ जाती है कि उस छोटे से पक्षी के साथ उस दानव का कोई गहरा राज है। मुझे कैसे भी इस पक्षी को आजाद करना होगा, तभी समझ आएगा कि क्या बात है। एक रात मीना दानव के आगे रोने लगती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो दानव को भरोसा दिलाती है कि वो कहीं नहीं भागेगी, इसलिए दानव उसे खोल देता है। मीना उसका भरोसा जीतने के लिए वहीं रहती है। दो दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। दानव अब मीना पर बहुत भरोसा करने लगता है। उसके बाद मीना एक दिन मौका देखते ही उस पक्षी को दानव के चंगुल से आजाद कर देती है। दानव उस पक्षी के पीछे पीछे चिल्लाता हुआ भागता है। ये तुमने क्या किया? उस पक्षी में मेरी जान कैद है। उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। दानव उस पक्षी को पकड़ने के लिए भागता रहता है और मीना सबको पिंजरे से आजाद कर देती है। सब जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद मीना और राजू की शादी हो जाती है और दानव उस पक्षी की तलाश में वहां से दूर चला जाता है। एक दिन उस पक्षी को एक चील खा जाती है और उस दानव की खुद ही मौत हो जाती है।